गाइस कैसे हो आप। स्वागत है आपका पिजन्स पॉइंट पर एक बार फिर से। तो दोस्तों फाइनली इस ब्राउन चिल्ला कबूतर के दोनों बच्चे निकल आए हैं। जस्ट साइड में बैठी है इसकी मादी दोनों बच्चों के ऊपर। तो आपको मैं दोनों बच्चे दिखा देता हूँ। पहले तो सबसे पहले ये देखो, इसको उठा के बाहर मैंने कर दिया। ये देखो ये दोनों लिटिल चिक्स इसने निकाल दिए है आज। ये देख लो एक बार फिर से देख लो आप दोनों लिटिल चिक्स को। हाँ तो भाइयों फाइनली ये चिला ने दोनों लिटिल चिक्स को निकाल दिए हैं। तो जिस दिन अंडे दिए थे वो तारीख थी 7 जनवरी। और मैंने आपसे 7 जनवरी को एक वीडियो अपलोड करके पूछा था कि भाई ये बच्चे किस तारीख को निकालेंगे। तो सभी भाइयों ने कमेंट करी थी, उनका नाम मैं बताता हूँ। और कौन से भाई ने सही कमेंट करी उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। और आप अपनी कमेंट चेक करना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप अपनी अपनी कमेंट चेक कर सकते हो कि मैं आपका नाम सही बता रहा हूं नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 जनवरी को अंडा दिया था और बच्चा निकाला है। पहला बच्चा निकला है 25 जनवरी को और दूसरा बच्चा निकला है 26 जनवरी को। तो अगर दिनों की बात की जाए तो पहला बच्चा निकला है 18 दिन में और दूसरा बच्चा निकला है 19वें दिन में। तो भैया सही कमेंट करने वाले भाइयों के नाम है, मतलब कि टोटल आई है 50 के आसपास कमेंट्स। उसमें से 8 से 9 लोगों ने सही कमेंट दी है। तो सबसे पहली सही कमेंट आई थी जिसान बब्बन खान भाई की, जिन्होंने बताया था कि भाई 25 तारीख को अंडे से बच्चा निकल जाएगा। उसके बाद अगली सही कमेंट आई थी शशांक कुमार लाल की। शशांक कुमार लाल भाई ने बोला था कि भाई 25 तारीख को निकलेगा। फिर प्रिमिया सैयद भाई ने बताया था कि 25 तारीख को निकलेगा। मोहित सरदार भाई ने भी बताया था कि 25 और 26 तारीख को निकलेगा। तो भाई आपने भी बिल्कुल सही कमेंट करी थी। उसके बाद नीरज कुमार ने भी बताया था कि 25 तारीख को निकलेगा। डार्क नुके गेमिंग वाइटी ने बताया था कि भाई 25 जनवरी को निकल जाएगा। जयेश ठाकुर ने भी बहुत सही कमेंट करे थे, उन्होंने भी बताया था कि भाई 25 तारीख को बच्चा निकलेगा। धर्मेंद्र पटेल ने बोला था कि भाई 25 तारीख को बच्चा निकलेगा। फेज वारसी भाई ने बोला था कि भाई 25 या 26 को निकलेगा। तो ये तो हो गई सही कमेंट्स। अब आपको बता दूं बाकी के सारे कमेंट। तो सूरज बर्डवे नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बताया था कि भाई 22 से 27 जनवरी के बीच में बच्चा निकलेगा। दीपक भाई ने बोला था कि भाई 28 जनवरी को बच्चा निकलेगा। सईद साहब ने बोला था कि 28 या 30 जनवरी को बच्चा निकलेगा। संजना घोष ने बोला था कि भाई 24 तारीख को बच्चा निकलेगा। अलयू कबूतर टिप्स एंड टीएस ने बोला था कि 23, 24, 25, 26 तारीख तक बच्चा निकलेगा। दिव्या महाले नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बताया था कि भाई 22 तारीख को बच्चा निकलेगा। सोहम कोकानी ने बताया था कि भाई 28 तारीख को निकलेगा। यासिन खान ने बोला था कि भाई 23 तो 24 जनवरी को बच्चा निकलेगा। बीटू पिजन ने बोला था कि भाई 27-28 दिन को बच्चा निकलेगा। सिमरनजीत सिंह ने बताया था कि भाई 21 तारीख को बच्चा निकलेगा। किबाल मकरानी ने कमेंट करी थी कि 20 दिन में बच्चा निकलेगा। गोलू शर्मा ने कमेंट करी थी कि भाई 45 दिन में बच्चा निकलेगा। नौशाद कोठारिया नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बताया था कि भाई 24 तारीख को बच्चा निकलेगा। फिर जिगर राजपूत ने बोला था कि भाई 29 तारीख को बच्चा निकलेगा। फिर फरहान खान ने बोला था कि भाई 32 तारीख को बच्चा निकलेगा। तो भाई 32 तारीख को बच्चा निकलेगा, बहुत सही कमेंट करी थी आपने भी। फिर प्रकाश पाटेकर अपने भाई है, उन्होंने बताया था कि भाई 27 तारीख को बच्चा निकलेगा। फिर सागर एसके नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बताया था कि भाई 24 जनवरी को बच्चा निकलेगा। एसके अरसाद ने बोला था कि 28 जनवरी को बच्चा निकलेगा। सूफी नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने बोला बोला था कि 23 जनवरी को बच्चा निकलेगा। और अंत में एक नाम है रॉक स्टार नामक यूट्यूब चैनल, जिन्होंने बोला था कि भाई 22 जनवरी को बच्चा निकलेगा। तो आपको अपने अपने कमेंट्स मिल गई होगी, सभी की कमेंट्स मैंने बता दी है। तो बच्चा निकला है पहला 25 जनवरी को और दूसरा 26 जनवरी को। अब आगे बारी है इस कबूतर की, ये मुखी सॉरी ये जैकेट कबूतरी का भी वीडियो डाला हुआ है मैंने, इसके वीडियो के लिए आप तैयार रहना। इसकी कमेंट्स भी 1-2 दिन में इसके भी बच्चे निकलने वाले हैं, फिर मैं आपको इसकी कमेंट्स पढ़ के बताऊंगा। तो पिजन स्पाइन को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। चल भाई।